हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि है और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास और इतिहास में पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो आमतौर पे प्राचीन भारत का इतिहास ज्यादातर लोग पढ़ना शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन हम लोग थोड़ा और पीछे जाके इसको पढ़ेंगे ताकि शुरू से डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहे। तो देखिए दोस्तों, इतिहास को बांटा गया है तीन भागों में। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक। अब देखिए, यहाँ है सिंधु घाटी की सभ्यता और यहाँ देखिए प्रागैतिहासिक काल लिखा है, यहाँ आद्य ऐतिहासिक काल लिखा है, यहाँ ऐतिहासिक काल लिखा है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसके पूर्व का काल है प्राग ऐतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। ऐतिहासिक काल जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात का काल है। लिखित साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिलते हैं, ऐतिहासिक काल में भी लिखित साक्ष्य मिलते हैं। पढ़ा जाना, प्रागैतिहासिक काल में जब लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो उसको पढ़ा कैसे जाएगा, इसीलिए यहाँ कुछ नहीं लिखा गया है, क्योंकि लिखित ही नहीं है तो पढ़ने की बात ही छोड़िए। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक काल में जो लिखित साक्ष्य मिलते हैं उसको पढ़ा जा सकता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल कहा जाता है मतलब इसको पत्थरों का काल भी कहा जाता है। यहां देखिए, इसको पत्थरों का काल भी कहा जाता है। इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, जो अज्ञात काल से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक है। बहुत सारे लोग कहते हैं 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल, जो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक है। और नव पाषाण काल, यह 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक है। अब ईसा पूर्व को क्या कहते हैं दोस्तों? ईसा पूर्व को कहते हैं बीसी, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। तो पूरा पाषाण काल के बारे में आइए, यहाँ पे एक इमेज है, इससे ऑब्जर्व करके हम लोग पहले जानते हैं। पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं गोदावरी नदी के तट पे है, कावेरी नदी के तट पे है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं जो पूरा पाषाण काल के हैं। और पूरा पाषाण के काल के समय का आप पत्थर का जो हथियार बना है उसे आप देख सकते हैं, यह बड़े बड़े हैं और नुकीले नहीं है, क्योंकि मानव उस वक्त जो थे उनकी बुद्धि, उनकी सोचने की क्षमता इतनी विकसित नहीं हुई थी कि वह पत्थरों को पूर्ण रूप से नुकीला और बेहतर बना सके। ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें पेलियोर का अर्थ प्राचीन और लिथर का अर्थ होता है पाषाण। तो पाषाण मतलब पत्थर भी होता है, तो प्राचीन पाषाण शब्द से यह बना है। इस काल में मनुष्य जंगली जीवन जीता था, मतलब मनुष्य का जीवन जंगल में ही व्यतीत होता था। इस काल में पत्थर से बने औजार मिले हैं, जो औजार मैं आपको दिखा चुका हूं। इससे मानव शिकार करके खाता था। तो इससे क्या होता था, इंसान शिकार करता था और उसे खाते थे। इस काल में मनुष्य आग लगाना भी सीखा था। इस काल में पशुपालन नहीं होता था। मुख्य औजार जो थे पूरा पाषाण काल के, वह पत्थरों से निर्मित हुआ करते थे, जो मैं आपको दिखा चुका हूं, आप देख सकते हैं, ये रहे पत्थरों के औजार। पूरा पाषाण काल को आखेटक काल काल भी कहा गया है, या खाद्य संग्रहण काल भी कहा गया है, क्योंकि उस वक्त मानव जो है खाद्य संग्रहण पे ध्यान देता था, इसलिए इसको खाद्य संग्रहण काल भी कहा गया है। और इस काल को आखेटक काल भी कहा जाता है, एग्जाम्स में आए हुए हैं, आप इसे याद रखिएगा। पूरा पाषाण काल को आखेटक काल भी कहते हैं। भारत में पूरा पाषाण कालीन मनुष्य के शारीरिक अवशेष कहीं भी नहीं प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आइए अब हम लोग जानते हैं, पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरे का नाम है मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरे का नाम है उच्च पूरा पाषाण काल। जैसे पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक उसी तरह से पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल यह 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय हाथ की कुल्हाड़ी, तक्षणी और काटने के औजार मिले हैं। प्रमुख उद्योग में हस्त कुठार, जिसको हैंड एक्स कहते हैं,
बिदारणी जिसे क्लेवर, तो यह दो उद्योग प्रसिद्ध थे। संस्कृत क्या थी आइए जानते हैं। संस्कृत थी एवे विवियन और एस्यूलियन, यह संस्कृत थी। स्थल क्या क्या पाए गए हैं, पहलगाम कश्मीर में, भीमबेटका और आदमगढ़ यह मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इसमें शल्क जिसे फ्लक्स भी कहते हैं से बने काटने वाले औजार फलक, वेदनी, खुरचनी आदि प्राप्त हुए हैं। मध्य पूरा पाषाण काल में हथियार बनाने में कार्टजाइट की जगह जैस्पर का प्रयोग किया जाने लगा, चमकीले पत्थरों का प्रयोग हुआ है, इस कारण इसे फलक संस्कृत भी कहते हैं। संस्कृत क्या थी, मध्य पूरा पाषाण काल की संस्कृत थी मुस्तरियन संस्कृत। उच्च पूरा पाषाण काल, यह 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। शल्कों और फलकों ब्लेड पर बने औजार तक्षणी और खुरचनी पाए गए हैं। इस वक्त का संस्कृत था मैग्दालियन संस्कृत। सामुदायिक जीवन का विकास उत्तर पूरा पाषाण काल में अधिक सुदृढ़ हुआ। अनेक व्यक्ति समूहों या कुल में रहना शुरू कर दिए, जिससे परिवार जैसी संस्था का उदय हुआ। लैंगिक आधार पर भ्रम विभाजन प्रारंभ हो गया था। गुफाओं के अतिरिक्त झोपड़ियों का उपयोग आवास के रूप में होने लगा था। पशु चर्म का उपयोग वस्त्र के रूप में होता था और भारत में आदि मानव अप्रस्कृत औजारों का प्रयोग करते थे, मतलब वह उतना प्रस्कृत और नुकीला नहीं होता था। तो हम लोग अभी तक पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़े, जिसमें निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं मध्य पाषाण काल। तो दोस्तों, मध्य पाषाण काल जो आपने पूरा पाषाण काल का फोटो देखा था, आइए दिखाता हूं। ये जो औजार है, ध्यान से इसको आप देखिए। इन औजारों को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इन औजारों और इन औजारों में अंतर ढूंढिए। अंतर मिलेगा क्या कि उससे ये औजार ज्यादा नुकीले हैं और छोटे हैं। तो मध्य पाषाण काल के जो पत्थर के हथियार होते थे वह छोटे होते थे लेकिन नुकीले होते थे। इस काल में पत्थर के औजार अच्छे और नुकीले होते थे। इसको माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण युग कहा जाता है। पत्थरों का प्रयोग लघु औजार बनाने में होता था। मध्य पाषाण काल में पत्थरों का प्रयोग होता था क्या बनाने में, लघु औजार बनाने में। हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का औजार के रूप में उपयोग, जैसे तीर, धनुष, मछली के शिकार, भंडारण के औजार के रूप में उपयोग। तो प्राकृतिक वस्तुओं का औजार भी उपयोग होने लगा, जैसे धनुष, तीर या मछली का शिकार करने वाला। मध्य पाषाण काल में कुछ जगह पाए गए थे, बागौर या राजस्थान में पाया गया है, लंघनाज या गुजरात में पाया गया है, आदमगढ़ या मध्य प्रदेश में पाया गया है, बेलन घाटी या उत्तर प्रदेश में पाया गया है। तो यह कुछ प्रमुख जगह जो पाए गए हैं। मध्य पाषाण काल को चित्रकला का काल भी कहा जाता है। महदहा उत्तर प्रदेश तथा सराय नहराय भारत में मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल जो है यह पाए गए हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं नौ पाषाण काल के बारे में। तो नौ पाषाण काल में आप देख सकते हैं इसमें मिट्टी के बर्तन पाए गए, कुल्हाड़ी, जो औजार हैं वो अलग अलग तरह के पाए गए। तो जो पूरा पाषाण काल था उसमें पत्थर के मोटे मोटे हथियार पाए गए थे, जो मध्य पाषाण काल उसमें छोटे और नुकीले हथियार पत्थर के पाए गए थे। अब मानव की बुद्धि और विकसित हो गई थी, वह मिट्टी के बर्तन वगैरह यह सारी चीजें बनाने लगा था, कुल्हाड़ी वगैरह बनाने लगा था। यह रहा कुछ जगह, आप पढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं नौ पाषाण काल के बारे में। पॉलीसहरूट के औजार के साथ धातु के औजार का भी प्रयोग किया जाने लगा। जानवरों को पालतू बनाया जाने लगा। सबसे पहला जानवर जो पालतू बनाया गया वह कुत्ता था, फिर भेड़, फिर गाय। मनुष्य नौ पाषाण काल में कृषि करना सीख गया था और वह कृषि करने लगा था। नौ पाषाण काल में पहिए का आविष्कार भी हो चुका था और मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाने लगे थे। तो जब पहिए का आविष्कार हो गया तो क्या हुआ, आना जाना सुगम हो गया और मिट्टी के बर्तन भी उपयोग में आने लगे। आइए जानते हैं नौ पाषाण काल में पाए गए कुछ जगह। तो उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पाया गया है,
गुफ करार और बुर्ज होम यह कश्मीर में पाया गया है। कोल्डी हवा और महागढ़ यह उत्तर प्रदेश में पाया गया है। चिरांद यह बिहार में पाया गया है। हल्लूर और पायमपल्ली या आंध्र प्रदेश में। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला और हरा चना जैसे फसल उगाने के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बगल में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दें ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको आते रहें। हम लोग